ऑडियो जंगल तो सितंबर से निकली और अभी तो ये 2027 तक शायद पूरा हो जाए और संभव है कि 2027 के बाद उत्तर भारत के सभी प्रांतों में मैं जाऊं और इसको 2029 तक बढ़ा दूं। सुधार एक सतत प्रक्रिया है। हम पिछले 5 महीनों में 6 महीने पूरा होने को हैं, लगभग 900 गांवों में गए। हम जहां भी गए हमारी बातों को सराहा गया। शत प्रतिशत जात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, किसी पार्टी से ऊपर उठकर, हमारी पार्टी का तो कोई सदस्य किसी गांव में नहीं था। हर जगह हमको सराहा गया, विचारों को स्वीकार किया गया, मुझे प्रेरणा मिली, मुझे एनर्जी मिली। यह इस यात्रा का एक पक्ष है और इससे इस एक पक्ष से मुझे आभास हुआ कि मैं राजनीतिक सुधार यात्रा की पहल अवश्य किया, मेरी पार्टी ने पहल अवश्य किया, मेरे नेतृत्व में पहल किया, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मुझसे अच्छा मेरे जैसा सोचने वाले हर गांव में हैं और अच्छे इंसान हर गांव में हैं, अच्छी सोच वाले, और देश में सुधार के लिए अकुलाहट बहुत है। ये इसका एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष है कि पिछले 30-35-40 सालों में 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। हमारी बातों को सराहा उन लोगों ने भी जो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उन लोगों ने भी सराहा जो निराशावादी हैं, उन लोगों ने भी सराहा जो शराब के नशे में चूर हो जाते हैं शाम को, उन लोगों ने भी सराहा जो शिक्षा से विमुख हैं, उन लोगों ने भी सराहा जिनमें मूल्य नहीं रह गए, उन लोगों ने भी सराहा जो जातिवादी हैं, उन लोगों ने भी सराहा जो सांप्रदायिक हैं। तो ये दूसरा पक्ष है और इस सुधार यात्रा से यह निष्कर्ष निकालता है कि बहुत से लोग हैं उनको निकलना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सुधार करना होगा और ये सुधार करना हमारे लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में, खास तौर पर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जो आपने बात की जाति पात की, तो जाति पात पर जो है अब बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है चुनाव। और आई थिंक मेरा मानना है वहाँ पर जहाँ पर जो भी बिरादरी के लोग ज़्यादा होते हैं, उसी पार्टी पर, उसी व्यक्ति पर या उसी बिरादरी पर जो पार्टी होती है वो अपना दांव खेलती है। राजनीतिक सुधार यात्रा से आपने बहुत कुछ सीखा देखा, तो कैसे जात पात से ऊपर उठ करके लोगों को निकाल करके, आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, कैसे आप जो है आगे इसको बढ़ाएंगे? जब हमारे DNA में ऐसी बात नहीं है और ये मजबूरी में जात पात और सांप्रदायिकता बढ़ी है, तो इस मजबूरी को हमको समाप्त करना पड़ेगा। जैसे उनको लगता है कि सभी नेता भ्रष्ट होते हैं, तो जब सभी नेता भ्रष्ट होते हैं, हर जिले के नेता भ्रष्ट होते हैं, हर प्रदेश के नेता भ्रष्ट होते हैं, तो जब हर प्रदेश का नेता भ्रष्ट है तो अपने प्रदेश वाले को देगा, हर जिले का नेता भ्रष्ट है तो अपने जिले वाले को देगा, और हर नेता भ्रष्ट होता है अपने जिले में भी अपने पूर्वी वाले को देगा, और हर पूर्वी का नेता भ्रष्ट होगा तो और नीचे आएगा, वो कहेगा अपनी जाति वाले को दे दे। क्या कारण है इसका? बहुत बड़ा कारण आप किस चीज को मानते हैं जो ये हावी हुआ? राजनीतिक मर्यादाओं में गिरावट और राजनीतिक व्यक्ति वोट के लिए बहुत नीचे गिरने लगा है, और नीचे जब वो गिरने लगा है और सामान्य तौर पर 80% से अधिक नेता मर्यादाहीन हो गए हैं, तो ऐसे में मर्यादाहीन में जब उसको चुनना पड़ता है तो धर्म और जात पर चला जाता है। चूँकि पूरी तरीके से मर्यादाहीनता की आपने बात की कि स्वार्थ से उठ करके कोई बात ही नहीं कर रहा, और स्वार्थ हित के लिए चाहे वो अधिकांश जनता को भ्रमित किया है पॉलिटिशियंस ने, तो उनके ज़रूरतें चंद छड़ों क्षणिक सुखों के लिए पूरा करके और वो अपनी सीटें निकाल ले जाते हैं, ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि आप 0 बजट पर काम करते हो। अभी हम बहुत नीचे हैं, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर प्रश्नचिन्ह तथा कथित बुद्धिजी उठा रहे हैं, सही, स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण पर उठा रहे हैं, मीडिया के व्यवसायीकरण पर उठा रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में का भी व्यवसायीकरण हो गया, और सार्वजनिक जीवन का व्यवसायीकरण, राजनीति और समाज सेवा एक ही चीज है, राजनीति समाज सेवा बिना किसी
रजिस्ट्रेशन की होता है, राजनीति में आके एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप सेवा करते हो, लेकिन राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। और जब राजनीति व्यवसाय बन जाएगी तो राजनेता ये नहीं सोचता कि वह उसका मूल लक्ष्य है जनता के हितों की पूर्ति, वो सोचता है मेरा मूल लक्ष्य है चुनाव जीतना, सत्ता प्राप्त करना, धन प्राप्त करना और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। कई जगहों से इस असेंबली 2022 के दौरान जो है जनता के मुख से निकला जो बहुत कुछ बुद्धिजीवी लोग रहे, जो कुछ यूथ